हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल एस्टीमेशन एग्जांपल्स। एग्जांपल से पहले आप अपने फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं। इसमें आपको एक ही मेंशन किया गया था, जरीना लिमिटेड के सेल्स गुड्स ऑन ए ग्रोस प्रॉफिट ऑफ 25%, एक एक एक्स डेफिनेशन एट पार को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो डेफिनेशन भी हमारी इंक्लूड है कॉस्ट में। फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन की है, इनकम स्टेटमेंट दी है, सेल्स है रुपी 1000 में दी है, 1,00,000 हो गई, मटेरियल कंजम्पशन दी है, वेजेज कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिज आउटस्टैंडिंग एट एंड। ये सिर्फ कैश एक्सपेंसिव लिए हैं मैन्युफैक्चरिंग के, एक में कैश होते हैं एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, और ये लिए हैं कुछ सिर्फ जो आउटस्टैंडिंग है एट एंड। इनका पीरियड लिया है लैग इन पेमेंट है 1 मंथ, एक में ये 1 मंथ के लिए हैं, इसको हम पर एनम में कन्वर्ट कर लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव है, सेल प्रमोशन एक्सपेंसिव है, टैक्स पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ विच 1 लाइज इन नेक्स्ट ईयर। वो साथ में आपको पीरियड दे रखे हैं। कंपनी मेंटेन्स अ मंथ्स स्टॉक ईच ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, तो जो स्टॉक ऑफ गुड्स हैं उसका पीरियड है 1 मंथ। इट आल्सो कीप्स 1,00,000 इन कैश। यू आर रिक्वायर्ड टू असेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एट कॉस्ट फ्रॉम अबव डेटा। अपने वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है कॉस्ट पे। उसमें देखिए आपको ना ये मेंशन किया है, सेल्स में जीपी है 25% और डेप्रिसिएशन हमारी इंक्लूड है कॉस्ट में, तो पहले हमें डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ये मिसिंग है हमारी। तो लेट अस सी, तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं पहले हम। तो हमें वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर, इनकम स्टेटमेंट हम बना रहे हैं दोनों केसी के बेस पे, टोटल पर एंड एट कॉस्ट। देखो सेल्स आपको मेंशन की हैं, सेल्स आपकी सेम रहेंगी 1,800,000। इसमें से माइनस करके हैं ग्रोस प्रॉफिट विच इज गिवन 25%, तो बैलेंस आ जाएगी आपकी। जैसे ये एग्जिस्टिंग फर्म मानी जाएगी, ओपनिंग स्टॉक्स हमें मेंशन नहीं किए हैं, ओपनिंग क्लोजिंग सेम माने जाएंगे, इतने से गिस विल बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड किसी आल्सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दोनों सेम आ जाएंगे। तो 1,00,000 से ऊपर आपका है 25% प्रॉफिट, 4,50,000 होगी, तो बैलेंस इज अबर 1,350,000। ये आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई है। अब इसके फर्दर एलिमेंट्स आपको दिए हैं, तो देखें डेप्रिसिएशन आपकी कितनी है। आपको मेंशन किया है मटेरियल कंजम्पशन, वेजेज, सो बाकी रॉ मटेरियल कंजम्पशन यानी कि वेजेज यानी कि कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिज, और बैलेंस आपकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन। मटेरियल देखो आपको मेंशन किया है, मटेरियल कंजम्पशन है आपकी 4,50,000, किसी के 4,50,000। वेजेज आपको मेंशन किए हैं, किसी के 3,60,000। कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिज है आउटस्टैंडिंग एट एंड, और आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है 40,000 और इसका पीरियड है 1 मंथ, इट मीन्स पर एनम बन जाएंगे आपके 40,000। ये 1 मंथ के हैं, इनको कर लीजिए 12, तो पूरे साल के बन गए आपके 480,000। अब ये टोटल बननी चाहिए आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,350,000, पर अगर कोई डिफरेंस है तो वो आपकी डेप्रिसिएशन मानी जाएगी। तो 1,350,000 माइनस 4,50,000 माइनस 3,60,000 माइनस 4,80,000, बैलेंस आ रहा है वो आपका 60,000। बट वैन वी हैव टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल कॉस्ट, तो उसमें हम डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं करेंगे। सो व्हाट विल बी नाउ कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो फिनिश उसको हम वैल्यू करके हैं कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर, दैट विल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस डेप्रिसिएशन, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे।
जैसे 1350 माइनस 60 हो गए, जैसे कमिंग 1290। इसी तरीके से आपकी आ जाएगी कैश कॉस्ट ऑफ सेल। ये हमें दो वर्किंग नोट्स चाहिए, कैश कॉस्ट ऑफ सेल। इनकम स्टेटमेंट आपकी बनी गई है, मेन आइटम्स थ्री हमारी कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कैश कॉस्ट ऑफ सेल। सो दिस विल बी कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1290। उसमें आप ऐड कर लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये हमें मेंशन किए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर 120, सेलिंग है आपके 60,000। सो प्लस 120 प्लस 60, सो टोटल लीजिए 1,290,000 प्लस 1,80,000, जिसे 1,470,000। किसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एंड किसी जबर कैश कॉस्ट ऑफ सेल। अब आप अपना वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट कर सकते हैं। सो लेट अस सी स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। दिस वी आर कैलकुलेटिंग एट कॉस्ट। सो फर्स्ट वी हैव करंट एसेट्स। इसमें आपको मेंशन किया है कंपनी मेंटेन्स 1 month स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, सो यू गेट ए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देन वी हैव स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्योंकि मटेरियल कंजम्पशन आपको मेंशन किया है 4,50,000 हो गए इनको 1/12। सो कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने कैलकुलेट किया है 1,290,000 इंटू 1/12। डब्ल्यू आई पी इसमें है नहीं आपका। सो स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल जिसे 37,500, जिसे 107,500। देन वी हैव डेटर्स एट कॉस्ट, उसके लिए आपको चाहिए कैश कॉस्ट ऑफ सेल भी 1470। तो डेटर्स का आपको मेंशन किया है सेल्स है 2 months क्रेडिट पीरियड के 2 months, तो जैसे 1470 245,000। फिर आपको मेंशन किए हैं आपके जो एक्सपेंसिज हैं सेल प्रमोशन एक्सपेंसिज क्वार्टरली पे इन एडवांस, ये हम एक मास में पे कर रहे हैं फॉर 1 quarterly, सो दिस विल बी प्री पेड सेलिंग एक्सपेंस। टोटल देखिए सेलिंग एक्सपेंस है आपका 60,000 और 4 quarters हैं और 1 quarter के बन जाएंगे 15,000, जिसे प्री पेड। फिर आपको कैश का बैलेंस मेंटेन करना है जिसे ऑलरेडी गिवन, सो कैश बैलेंस इज टू बी मेंटेन्ड एट 1,00,000 rupees। So this will be our total current assets. So totally coming 37,500 plus 107,500 plus 245,000 plus 1,15,000. This is 505,000. So now we calculate current liabilities. Then we have current liabilities. इसमें आपको जो को मेंशन किया है मटेरियल कंजम्पशन 1 month क्रेडिट, एक मिन क्रेडिटर्स का पीरियड है 1 month। क्रेडिटर्स कैलकुलेट होंगे मटेरियल कंजम्पशन ही आपकी पर केज मानी जाएगी जिसे 4,50,000 इंटू 1/12। जिसे 37,500। फिर आपको मेंशन किया वेजिंग लैगिंग पेमेंट 1 month, तो वेजिंग हमारी आउटस्टैंडिंग है 1 month की आउटस्टैंडिंग वेजिंग। टोटल वेजिंग है आपकी 360 इंटू 1/12, जिसे ये 30,000। फिर आपको दिए कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिस आउटस्टैंडिंग आइटम किसी ऑलरेडी गिवन 40,000 आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिस, जिसे 40,000 गिवन इन द क्वेश्चन।
एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस लैगिंग पेमेंट 1 मंथ, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी आउटस्टैंडिंग है आपका, आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस टोटल है आपके 120, लैगिंग पेमेंट 1 मंथ जिसे 10 होगी। तो टैक्स देखो हम पे कर रहे हैं इन 4 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ विच 1 लाइज इन नेक्स्ट ईयर, टैक्स अभी आउटस्टैंडिंग है। बट व्हेन वी कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल कॉस्ट टैक्स इज नॉट कंसीडर्ड, बिकॉज प्रॉफिट इज नॉट कंसीडर्ड इन डेटर्स। सो नाउ वी सब्सट्रैक्ट गिव करंट लाइबिलिटीज, सो टोटल इज 67,500 प्लस 50,000 117,500 बैलेंस इज अवर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। दिस इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एट कॉस्ट, सो दिस इज कमिंग टू बी 387,500। नेक्स्ट लेट अस सी एग्जांपल नंबर 7, इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन वर्क आउट द एवरेज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो आपको मेंशन किया है परचेज ऑफ मटेरियल, वेजेज, रेंट, ओवरहेड्स, सैलरीज, क्रेडिट सेल, इन सब के पीरियड आपको दिए हैं क्रेडिट के वीक्स में, और हमें एस्टिमेटेड अमाउंट दिया है फॉर द ईयर, और इसमें 52 वीक्स हैं, रुपीज आपको दिए हैं लैक्स में। तो इनके हमें आइटम्स ये रखी हैं। सो एवरेज अमाउंट ऑफ होल्डिंग ऑफ स्टॉक एंड WIP 400 लैक्स, स्टॉक आपको दे ही रखा है ऑफ WIP एंड फिनिश गुड्स 400 लैक्स, एंड देयर शुड बी कैश बैलेंस ऑफ 50, कैश का बैलेंस भी आपको लिया है। एज्यूम डेट ऑल एक्सपेंसिज एंड इनकम आर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, कुछ डिफरेंट क्रेडिट पीरियड लिए हैं, इनकम स्टेटमेंट जरूरत चाहिए, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी है। तो लेट अस शो स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। जैसे ये भी मेंशन नहीं किया है कि टोटल है या कैश कॉस्ट है, इतनी नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है जिसे जो टोटल वर्किंग कैपिटल, जिस केस में हम डायरेक्टर से कैलकुलेट करते हैं सेल के ऊपर। तो फर्स्ट लेटर से करंट एसेट्स, तो इनकी आपको चल रहे हैं लैक्स में, वी हैव करंट एसेट्स। तो फर्स्ट स्टॉक एंड WIP ऑलरेडी गिवन, तो करंट एसेट्स आर स्टॉक एंड WIP जिसे जो 400 लैक्स। तो नेक्स्ट ये कि आपको मेंशन किया है क्रेडिट सेल का पीरियड है 1 वीक से, तो उससे डेटर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। सो क्रेडिट टोटल सेल्स आपको दिए हैं 5200 लैक्स, और पीरियड है आपका 1 वीक, टोटल वीक्स हैं आपके 52, तो किसी के 800 लैक्स। कैश का बैलेंस भी आपको मेंशन किया है विच वी हैव टू मेंटेन, जिसे जो 50 लैक्स, सो दिस विल बी टोटल करंट एसेट्स। वी गेट टू टोटल वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स जिसे कमिंग टू बी 1250 लैक्स। नाउ लेट अस कैलकुलेट करंट लाइबिलिटीज। तो आपके पास डिफरेंट एक्सपेंसिज हैं परचेज ऑफ मटेरियल, इट मीन्स इसका क्रेडिट पीरियड है 6 वीक्स, उससे आपके क्रेडिटर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। परचेज ऑफ मटेरियल्स आपको मेंशन किया है फॉर द ईयर 2600 लाख, और क्रेडिटर्स का पीरियड है 6 वीक, सो दिस इज कमिंग 2600 × 6 / 52 300 लाख। सेकेंड वी हैव वेजेज, इसका क्रेडिट पीरियड है 1.5 वीक्स, सो आउटस्टैंडिंग वेजेज, टोटल वेजेज आपको मेंशन किए हैं 2080, पीरियड 1.5 वीक्स विच मीन्स 1.5 वीक्स, सो 2080 इनको 1.5 सो डिवाइडेड बाय 52 वीक्स, दिस इज 60। देन वी हैव रेंट, इसका क्रेडिट पीरियड है 26 वीक्स विच इज आउटस्टैंडिंग रेंट,
कोकल लाइन का फूड ये है, फॉर द ईयर 100 लैक्स, पीरियड 26/52, जिसे ये 50। अदर ओवरहेड्स आउटस्टैंडिंग है 8 वीक्स आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, टोटल अमाउंट है ओवरहेड्स का 1040। जिस अमाउंट की कमिंग 160। देन वी हैव सैलरीज आउटस्टैंडिंग फॉर 4 वीक्स आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सो टोटल सैलरीज है आपके 1300 इंटू 4/52, जिस कमिंग 100। ये डिफरेंट पीरियड्स आपको दिए थे एक्सपेंसिज के, फ्रॉम विच वी गेट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिज, तो दीज आर टोटल करंट लाइबिलिटीज 160 + 150 + 360, सो टोटल कमिंग 670। तो डिफरेंस इज अवर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो दिस इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, तो दिस इज कमिंग 580। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, डाटा आपको दिया गया है, साथ में पीरियड्स आपको दिए हैं, डायरेक्टली आप करंट कैसे करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट कर सकती हैं। तो नेक्स्ट लेगेसी एग्जांपल नंबर 8, इसमें देखिए डाटा मेंशन किया है, अ कंपनी प्लान टू सेल 48,000 यूनिट्स नेक्स्ट ईयर, फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन, रॉ मटेरियल आपको कॉस्ट दिया है रुपीज पर यूनिट 100, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 30, सेलिंग कॉस्ट 20, सो सेलिंग प्राइस ही 180, एवरेज कैश बैलेंस ही 1,20,000। ड्यूरेशन ऑफ वेरियस स्टेजेज इज एक्सपेक्टेड एज फॉलो, रॉ मटेरियल स्टेज है आपकी 2 मंथ्स, वर्क इन प्रोग्रेस 1 मंथ विच इंक्लूड्स रॉ मटेरियल 100% कम्प्लीट एंड मैन्युफैक्चरिंग इज 25% कम्प्लीट, फिनिश गुड्स 1 मंथ, डेटर्स 1 मंथ, यूनिफॉर्म सेल्स पर मंथ 4,000 यूनिट्स पर मंथ, सेल्स यूनिट्स भी आपको दे रखे हैं 4,000 पर मंथ। वी हैव टू एस्टिमेट ग्रोस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से टेकिंग डेटर एट कॉस्ट एंड डेटर एट सेल वैल्यू, तो आपने डेटर से दो तरीके से लेनी है, एट कॉस्ट एंड एट सेल वैल्यू, और आपको वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है ग्रोस वर्किंग कैपिटल। तो किसी का जो ग्रोस वर्किंग कैपिटल मीन्स टोटल करंट एसेट्स, तो मीन्स करंट लाइबिलिटीज आपको डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो पहले हम बनाते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट, अमाउंट्स हैं आपके रुपीज में, तो सबसे पहले देखिए सेल्स के यूनिट्स आ जाएंगे, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, वो चार सेल्स यूनिट्स पर एनम, ये आपको मेंशन किए हैं 4,000 यूनिट्स पर मंथ इंटू 12, जिसे जो 48,000 यूनिट्स। नाउ यू कैन कैलकुलेट बताइए रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट टोटल यूनिट्स हैं आपके 48,000, मटीरियल कॉस्ट पर यूनिट है आपकी 100, जिसे जो 48 लाख। देन वी हैव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, इसमें वेजी सेपरेटली मेंशन नहीं किए, इट मीन्स इट इज इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग 30 रुपीज पर यूनिट, सो 48,000 यूनिट्स इंक्लूड 30, जिसे जो 14,40,000। तो जिस पे गया कि टोटल अवर फैक्ट्री कॉस्ट एज वेल एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नॉर्मल एजम्पशन है एग्जिस्टिंग फर्म है, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग सेम माने जाएंगे, तो इट मीन्स जिस जो कमिंग को भी 62,40,000। तो इसके बेस पर हम कैलकुलेट करेंगे WIP एंड फिनिश कॉस्ट, सो देन यू ऐड सेलिंग कॉस्ट, फिर आपको सेलिंग एक्सपेंसिस मेंशन किए हैं, जिसे गिवन 20 पर यूनिट, सो 48,000 इंटू 20, जिसे 9,60,000, सो दिस विल बी टोटल कॉस्ट। देखिए आंसू का आगे कॉस्ट ऑफ सेल 62,40 + 960, जिसे 72 लाख। देन यू कैन कैलकुलेट सेल्स,
सेलिंग प्राइस आपको मेंशन किया है 180 रुपीज़। सो सेल्स आर 48,000 यूनिट्स इनको 180, जिसे 86,40,000 डिफरेंस इज अवर प्रॉफिट। प्रॉफिट क्योंकि 14,40,000। अब आपको कैलकुलेट करने हैं ग्रोस वर्किंग कैपिटल और उसमें दो ऑप्शंस हैं, डेटर्स हम वैल्यू कर रहे हैं एट कॉस्ट पर एंड डेटर्स एट सेल वैल्यू। कॉस्ट में हम लेंगे इसके बेस पर 72 लाख के बेस पर, सेल वैल्यू हम लेंगे 8640 के बेस पर। सो लेट अस सी स्टेटमेंट ऑफ ग्रोस वर्किंग कैपिटल। और इसमें हम गो कॉलम बना लेते हैं। फर्स्ट केस में हम ले रहे हैं डेटर्स एट कॉस्ट, सेकंड केस इज वी आर टेकिंग डेटर्स एट सेल वैल्यू। सो डेटर्स एट सेल वैल्यू और वी कैन से एट सेलिंग प्राइस। अमाउंट्स आपके चल रहे हैं रुपीज में। सो फर्स्ट वी शो अवर करंट एसेट्स। तो सबसे पहले देखिए आपके पास है रॉ मटेरियल का जो स्टेज का पीरियड है 2 मंथ्स है। सो यू विल गेट अ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सो टोटल कंजम्पशन है मटेरियल की 48 लाख फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट। इसका पीरियड आपको मेंशन किया है 2 मंथ्स, दिस विल बी 2/12। सो गेट इट कमिंग टू 8 लाख। मटेरियल की वैल्यू सेम रहेगी दोनों के सीज में। कैन वी हैव स्टॉक ऑफ WIP। WIP में देखो यूज होगा आपका रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव। मटेरियल 100% कंप्लीट है, मैन्युफैक्चरिंग 25% और इसका पीरियड है 1 मंथ। सो लेट अस टेक इन WIP रॉ मटेरियल। सो दिस इज 48 लाख। इसका पीरियड अप्लाई की गया 1/12, जिसे 100% कंप्लीट। देन वी हैव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इन WIP। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस टोटल है 14,40,000। इनकम स्टेटमेंट से आप देख लीजिए पीरियड है आपका 1 मंथ, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है 25%। तो जैसे जो मटेरियल का कंपोनेंट देखो उसमें आ रहा है 4 लाख, 48 / 12, 4 लाख। WIP मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का कंपोनेंट है 1440, तो 12/12 इनको 25%, 30,000। सो टोटल वैल्यू ऑफ WIP तो जैसे कमिंग 4,30,000। ये भी सेम रहेगी आपकी दोनों के सीज में। सो देन वी हैव फिनिश गुड्स स्टॉक, दिस इज 1 मंथ। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, विच इज 62,40,000। एंड पीरियड गिवन 1 मंथ, तो 62,40/12, 5,20,000। देन वी हैव टू कैलकुलेट डेटर्स। ये आप ले रहे हैं डेटर्स है कॉस्ट, यू टेक कॉस्ट ऑफ सेल। सो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल इज 72 लाख। तो पहले हम कॉस्ट पे ले रहे हैं 72 लाख। डेटर्स का पीरियड आपको मेंशन किया है जिसे जो 1 मंथ, जिसे कमिंग 6 लाख। सो गेट वी वहाँ के डेटर्स एट सेल वैल्यू। नाउ यू टेक टोटल सेल इज 86,40,000 ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी गेट ए डेटर्स 1 मंथ, 86,40, 7,20,000। सो देन वी आर ऑल्सो गिवन कैश बैलेंस एवरेज 1,20,000।
कैश का बैलेंस आपको मेंशन किया है विच वी हैव टू मेंटेन, जैसे यू 120 जिस वन इज सेम इन बोथ केसेस, जिसे वैल्यू ऑफ ग्रोस वर्किंग कैपिटल, जिसे कहा गया ग्रोस वर्किंग कैपिटल विच मीन्स टोटल करेंट एसेट्स। तो इन फर्स्ट केस इट इज 1230 प्लस 1120 प्लस 120 जिसे 24,70,000। अगेन वी हैव 1230 प्लस 520 प्लस 720 प्लस 120 टोटल इज 25,90,000। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन के कुछ एग्जांपल्स। ऊपर के प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।